दोस्तों बात करते हैं सुपर संडे को खेले गए एक सुपर हिट मुकाबले की, जो कि खेला गया दो ऐसी टीमों में जो कि इस समय टेबल टॉपर हैं, पॉइंट्स टेबल में एक नंबर पर और दो नंबर पर हैं। और इन्हीं दोनों टीमों के बीच में पिछले साल भी फाइनल का मैच खेला गया था। दोनों टीमें हैं गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। ये मैच खेला गया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि पिछले साल के फाइनल का रिपीट था। यहाँ पर संजू सैमसन राजस्थान रॉयल ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग चुनी और गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर लगा दिए 177 रन। बात आई जब चेज करने की, ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल इन 178 रन को जल्द ही चेज कर देगी, लेकिन जैसे बैटिंग लाइन पर, लेकिन जब शुरुआत करते हैं तो मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या की बॉल इतनी भयंकर तरीके से स्विंग हो रही थी कि दोनों ओपनर्स जोस बटलर और अच्छे फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल को पता ही नहीं चला वो क्या रहा है, और दोनों अपना जल्द ही अपना ओवर अपना विकेट गवा बैठे। 3 नंबर पे आए देवदत्त पडिक्कल ने भी कुछ अच्छे शॉटे जरूर लगाई, लेकिन वो भी डॉट बॉल खेल कर टीम पर प्रेशर बनता जा रहा था। और सिर्फ पावर प्ले में राजस्थान रॉयल का सबसे कम स्कोर ही बना पाया, 26 रन पर 2 विकेट 6 ओवर के बाद। और फिर लग रहा था कि राजस्थान रॉयल यहाँ से बाउंस बैक मुश्किल ही कर पाएगी, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं संजू सैमसन बटलर के आउट होने के बाद, और फिर उनके बीच में साझेदारी होती है। संजू सैमसन ने एक ज़बरदस्त पारी खेली और एक मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें गुजरात टाइटन के सबसे प्रमुख गेंदबाज राशिद खान के 13वें ओवर में, एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के राशिद खान को लगा दिए। वहाँ से मोमेंटम पूरी तरह अब राजस्थान रॉयल की तरफ शिफ्ट हो चुका था। अब चाहिए थे जहाँ पर 12 ओवर के बाद 8 ओवर में चाहिए थे 112 रन चाहिए थे, 48 बॉल पे 112 रन, वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया संजू सैमसन ने। अगले ओवर में अलजारी जोसेफ के ओवर में बढ़िया रन लूट लिए सिमरन हेटमायर ने। फिर उसके अगले ओवर में नूर अहमद को संजू सैमसन ने अपना विकेट जरूर दे दिया, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। 30 बॉल में 60 रन की एक ज़बरदस्त तूफानी बल्लेबाजी करके वो वापस पवेलियन चले गए। उसके बाद सिमरन हेटमायर का साथ देने के लिए आते हैं ध्रुव जुरैल, वो भी 10 बॉल में 18 रन बनाकर एक किफायती एक शानदार पारी खेलते हैं। 19 और 20वें दो ओवर में चाहिए थे राजस्थान रॉयल को जीत के लिए 23 रन, वहीं पर 19वें ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की फर्स्ट बॉल पर ध्रुव जुरैल ने छक्का लगा दिया। अगली बॉल पर आउट जरूर हो गए, लेकिन अब इक्वेशन आसान हो गई थी राजस्थान की जीत के लिए। फिर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और भाई साहब फर्स्ट बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे छक्का, तीसरी बॉल पे आउट जरूर हो गए, लेकिन अब तक तो वो अपना काम कर चुके थे, टीम के लिए एक शानदार पारी खेल चुके थे, क्योंकि अब सिर्फ 20वें ओवर में चाहिए थे मात्र 7 रन। सिमरन हेटमायर स्ट्राइक पर थे, तो अब टेंशन नहीं थी, सिर्फ एक बड़ा शॉट और मैच राजस्थान की रॉयल की झोली में। और यही हुआ, राजस्थान सिमरन हेटमायर ने फर्स्ट बॉल पर दुक्का लिया और सेकेंड बॉल पर एक लंबा छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल को जीत दिला दी। एक ऐसा मुकाबला जहाँ पर लग नहीं रहा था कि राजस्थान रॉयल इस मैच को जीत सकती है, आसपास भी आ सकती है। उस मैच में संजू सैमसन ने बीच में ऐसी बैटिंग करी, पूरा मोमेंटम राजस्थान की ओर से पड़ गया, और फिर लास्ट में आके सिमरन हेटमायर ने भाई क्या हिटिंग की है, क्योंकि जब जज्बा हो जीत का तो ऐसा ही होता है। दोनों टीमें चाहती थी जीतना, लेकिन राजस्थान रॉयल पता चला कि पिछले साल का बदला तो लेना ही पड़ेगा। 3 मैचों में लगातार हार मिली थी राजस्थान रॉयल को गुजरात टाइटन के हाथों से। अगर वहाँ पर फाइनल में भी गुजरात टाइटन नहीं हराया था इसी मैदान पर, तो उसका बदला, भरपूर बदला लिया और अपनी टीम को जीत दिलाई, पहुँच गई राजस्थान रॉयल टेबल टॉपर फर्स्ट नंबर पर। आगे देखते हैं दोनों टीमें कहाँ पर जाएंगी, लेकिन लग रहा है कि दोनों टीमें अभी तक मजबूत टीमें हैं और यही लग रहा है कि इस बार का फाइनल भी खेल सकती हैं, तो देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।